सत्ता के लिए अतिरिक्त वोट की दरकार, किस सियासी दल ने कैसे बिछाई बिसात, समझिए रणनीति। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मिशन 2024 की सियासी सभा में हर दल ने अपनी तरह से बिसात बिछाई है। भाजपा हो या सपा या फिर बसपा, हर किसी ने ऐसी रणनीति पर अमल किया है ताकि उसे अपने कोर वोट बैंक के अलावा अतिरिक्त वोट जो अन्य दलों में शिफ्ट हुआ है उन्हें हर हाल में मिल जाए। कमोबेश इसी रणनीति से उत्तर प्रदेश में सियासी दल सपा बसपा की और फिर बाद में भाजपा सत्तारूढ़ होते रहे हैं। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि किसे अपने कोर वोट के अलावा कितना अतिरिक्त वोट हासिल होता है। ओबीसी वोट के सहारे सपा ने पाया पूर्ण बहुमत। यूपी के सियासी दलों ने सामाजिक संरचना को तीन जाति दलों में बांट रखा है। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम के दलित सियासत के जवाब में यादव कुर्मी और मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखते हुए 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। पार्टी के स्थापना दिवस पर हुए समारोह में मुलायम सिंह यादव के साथ कुर्मी समाज के कद्दावर नेता बेनी प्रसाद वर्मा और मुस्लिम नेताओं को खासी तवज्जो दी गई। सपा ने मुस्लिम और यादव को साथ लेकर कोर वोट बैंक विकसित किया। साथ में ओबीसी समाज जैसे निषाद कुशवाहा समाज से भी बड़े नेताओं को जोड़ने का काम किया। फूल देवी के रूप में निषाद समाज और राम भुवाल निषाद, भोला शंकर मौर्य, राम प्रसाद चौधरी और जमुना प्रसाद निषाद जैसे ओबीसी नेता सपा से जुड़े रहे। वर्ष 2012 से पहले जीत के मद्देनजर मुलायम सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी आयोजित किया। नतीजा सपा की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सपा को वर्ष 2012 में 29.13% वोट मिले और 224 सीटें हासिल हुई। सपा ने इसी रणनीति पर अमल करते हुए इस चुनाव में पीडीए के समीकरण पर ध्यान दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि सपा को एमवाई के अतिरिक्त वोट कितने फीसदी तक मिल जाता है। भाजपा ने लगाई सपा की रणनीति में सेंध। कभी ब्राह्मण बनियों और ठाकुरों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा ने समाजवादी पार्टी की रणनीति में वर्ष 2014 से सेंध लगानी शुरू की। भाजपा ने पहली बार गैर यादव व गैर जाटव को साथ लेने का नारा दिया। पार्टी के महामंत्री संगठन रहे ओम माथुर व सुनील बंसल ने क्रमशः इस पर काम किया। ओम माथुर की रणनीति के चलते चुनावों से पूर्व बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा में शामिल किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।